ये दुनिया आश्चर्यों से भरी हुई है। यहाँ पर ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। कई ऐसी रहस्यमय चीज़ें सामने आती रहती है जिनके रहस्यों को आज तक वैज्ञानिक भी सुलझा नहीं पाए। दक्षिण भारत में एक शहर है महाबलीपुरम। ये तमिलनाडु राज्य का एक ऐतिहासिक नगर है। इस शहर में कई बहुत पुरानी जगह हैं जो दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इनमें से एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पत्थर है जो अपने आप में एक रहस्य है। ये पत्थर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये रहस्यमय पत्थर करीब 1200 वर्ष पुराना है। इस पत्थर की ऊंचाई लगभग 20 फुट और चौड़ाई 5 फुट है, लेकिन पत्थर जिस तरीके से अपनी जगह पर टिका हुआ है वो देखने लायक है। ये पत्थर ना ही हिलता है और ना ही लुढ़कता है। साल 1908 में पहली बार ये पत्थर तब खबरों में आया जब वहाँ के गवर्नर ने इस पत्थर को अजीब तरीके से खड़ा देखा। उन्हें लगा कि इससे कोई बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसी कारण उन्होंने करीब 7 हाथियों से इस पत्थर को खिंचवाया, लेकिन 7 हाथी मिलकर भी इस पत्थर को इंच भर भी हिला नहीं सके। इस पत्थर के साथ जुड़ी एक दंत कथा भी है कि ये जमा हुआ मक्खन है जो श्री कृष्ण ने अपनी बाल अवस्था में गिरा दिया था। वही मक्खन अब पत्थर बन चुका है। सभी लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद के नाम से भी जानते हैं। वैज्ञानिक भी अभी तक इस पत्थर के रहस्य को नहीं समझ पाए। यहाँ तक कि वे ये भी नहीं जान पाए कि यह पत्थर इंसान द्वारा खड़ा किया या प्राकृतिक है। इस तथ्य को लेकर वैज्ञानिक भी असमंजस है। इतना विशाल और वजनी पत्थर होने के बाद भी ये कैसे सैकड़ों सालों तक एक ढलान पर टिका हुआ है, ये किसी रहस्य से कम नहीं है। इस पत्थर को जो भी देखता है वो देख के हैरान हो जाता है।